हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों का नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो हम बात करने वाले हैं आज मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 के बारे में। तो इस ये कार एक्सीडेंटल हो चुकी थी, तो एक्सीडेंटल में इसकी जो गेयर बॉक्स की होजिंग थी वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। तो मुझे इसकी गेयर बॉक्स की होजिंग दोनों रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस करने में क्या क्या प्रोसीजर यूज होता है, मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। बोल। हेलो गाइज। गाइज यार, जिस किसी ने भी जाहिद भाई का चैनल हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप आने वाली वीडियो को मिस ना कर सकें। जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करें। चल के आप वीडियो देखो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका गियर का जो हॉजिंग है पूरी तरह से डैमेज हो चुका था कार एक्सीडेंटल में। तो मुझे करना है इसका ये वाली हॉन्डी और ये वाली हॉन्डी चेंज। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है इसका गियर शिफ्टर और ये है इसका क्राउन और ये है इसके पांचवें गियर की गरारी और ये है इसके बैक गियर की गरारी। तो सब मैं आपको बता देता हूँ, इसमें पहला गियर सेकंड फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर और फोर्थ गियर, ठीक है। और ये है पहले गियर का गियर शिफ्टर फार और ये है थर्ड गियर और फोर्थ गियर का शिफ्टर फार और ये है फिफ्थ गियर और बैक गियर का शिफ्टर फार और ये है स्पीडोमीटर सेंसर। लो वीडियो पर होगी। तो सबसे पहले हमें रखना होता है इसका इसके होजिंग में क्राउन। उसके बाद में हमें लेना होता है ये फर्स्ट गियर का और ये फर्स्ट गियर और सेकंड गियर, थर्ड गियर का, फोर्थ गियर का। तो फर्स्ट गियर में हमें लगाना होता है इसका ये फार कुछ इस तरह और ये लगाना होता है हमें कुछ इस तरह। अरे बहन चोद, इतनी ठंड में डालना। तो करते हैं इस गियर को फिट। तो गियर फिट करते टाइम आपको लगाना होता है इस पर ऑयल का लुब्रिकेशन ताकि ये अच्छे से स्मूथली बैठ जाए। तो लगाएंगे इसके होजिंग में इसके गियरों को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसका क्राउन पहले ही लगा के ले लिया था। अब बिठालेंगे इसके दोनों की फर्स्ट गियर और सेकंड गियर और थर्ड गियर और फोर्थ गियर दोनों गियर शाफ्टों को। तो ये आपको ध्यान देना होता है लगाते टाइम इसमें। तो आपको ये रोटेट करके या किसी प्लास्टिक की हैमर की मदद से आपको इसको हल्के हल्के नीचे प्रेस कर देना है। कि क्राउन पे या फर्स्ट गियर या सेकंड गियर, थर्ड गियर या फोर्थ गियर की सावट पे आपको धीरे धीरे इस पर प्रेस करके लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये धीरे धीरे नीचे को जा रहा है अपनी जगह पे पूरा परफेक्ट बैठ रहा है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, अपनी ये पोजीशन पे ये अच्छे से जाकर बैठ चुका है और गियर भी हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है। तो ये हमारे दोनों गियर की सपोर्ट प्रॉपर बैठ चुकी हैं, फिक्स हो चुकी हैं। तो अब लगाएंगे हम इसमें बैक गियर की गरारी। आप देख सकते हैं रोटेट अच्छे से हो रहा है, कहीं भी कोई जाम होने की कोई किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये है इसमें पांचवें गियर और बैक गियर का गियर शिफ्टिंग रॉड जो पांचवें गियर को और बैक गियर को गियर शिफ्ट करती है। और यह है बैक गियर गियर शिफ्टर। तो ये आपको दो 12 नंबर के बोल्टों से हमें माउंट करनी होती है। आपको इन दो बोल्टों से इसको माउंट कर देना है। इसके बाद में इसकी बारी आती है इसकी बैक गियर की गरारी लगाने की। तो आपको इसकी रॉड निकाल के ले लेनी है पहले
और अच्छे से इसकी जो नीचे फार्क था उसमें इसको फंसा कर ले लेना है। इसको आप एक उंगली की मदद से इसको उठा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसको उठा कर ले लिया है। फंसाऊँगा इसकी बैक गियर की गरारी, तो ये प्रॉपर अपनी जगह पे फिक्स हो चुकी है। अब लगाएंगे इसकी रॉड। तो रॉड लगाते टाइम आपको ध्यान देना होता है, इसकी प्लास्टिक की वाशल है, इसकी ऊपर की साइड रखनी होती है। तो ये बैक गियर का गियर हमारा प्रॉपर फिक्स हो चुका है। तो अब ये 12 नंबर के जो हमने बोर्ड लगाए थे उनको प्रॉपरली फिट टाइट कर देंगे। तो ये 12 नंबर के एमएम के बोल्ट दोनों प्रॉपरली फिक्स हो चुके हैं। तो अब बारी आती है इसमें इसकी ट्यूब लगाने की। तो मैं इस पर अच्छे से ट्यूब लगा के ले लेता हूँ। आपको इस पर किसी अच्छी सी ट्यूब का प्रयोग करना होता है, जैसे कि मैंने इसमें मारुति MG की जेन्युइन ट्यूब का प्रयोग कर रहा हूँ। अगर हम इसमें कोई भी लोकल ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं उसमें लीकेज होने के चांसेस रहते हैं। तो अब मैं आपको इसे गियर चेक करा देता हूँ। ये फर्स्ट गियर, ये इसका सेकेंड गियर, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ये न्यूट्रल। तो अब मैं आपको इसका थर्ड गियर और फोर्थ गियर भी चेक करा देता हूँ। ये फोर्थ गियर, सॉरी ये थर्ड गियर और ये फोर्थ गियर। तो हमें ये तीनों न्यूट्रल की पोजीशन में ले लेने होते हैं। तो होजिंग लगाते टाइम हमें ध्यान देना होता है, ये बैक गियर की गरारी पे एक एरो का निशान दिया होता है। बैक गियर की रोड पे ये एरो का निशान दिया होता है, ये आपको रखना होता है इस होजिंग की एरो के निशान पे। ये निशान और एक ये निशान, दोनों हमें सामने आमने सामने की ओर रखने होते हैं, ताकि हमें इसका जो 12 नंबर का बोल्ट है वो लगाने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर ये अपनी जगह से दूसरी जगह अपोजिट होगा तो हमें दोबारा से इसकी होजिंग हटानी पड़ जाएगी। तो हमें अच्छे से इसकी रोडों पर लुब्रिकेशन करके ले लेना, ताकि बिठाने में कोई दिक्कत ना आए इसकी होजिंग को। जिसके क्राउन में और गियर की राडों में हमें अच्छे से इसका लुब्रिकेशन करके ले लेना, ताकि कोई दिक्कत ना आए इसको बिठाने में। तो बाकी हमारा काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप बिठा लेंगे इसकी होजिंग, बैक साइड होजिंग। तो ये लगाते टाइम आपको बिल्कुल स्ट्रेट लगानी होती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब मैं इसको ऊपर से प्रेस कर दूंगा, ये बैठ जाएगी। आप देख सकते हैं ये प्रॉपर अपनी जगह पर जाकर फिक्स हो चुकी है। तो अब बारी आती है इसके 12 नंबर के सारे बोल्ट माउंट करने की। तो मैं ये सारे 12 नंबर के बोल्ट माउंट करके ले लेता हूँ। वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आपको 4 बोल्ट इसकी आगे की साइड से लगाने होते हैं। मेरे सारे बोल्ट अच्छे से माउंट हो चुके हैं। तो अब बारी आती है इसकी ऊपर के प्लेट लगाने। तो आपको ये सिम लगानी होती है ऊपर एक। तो मैंने वो सिम लगा के ले लिया। इसमें लगाने होते हैं आपको टोटली 5 बोल्ट। तो ये 5 बोल्ट में लगा के ले लूँगा। जो मैंने आपको बताया था ये
जो एरो का निशान था बैक गरी गरारी पे, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं इसी 12 नंबर का ये बोल्ट मोल्ड लगा देता हूँ। मुझे किसी भी तरह की इसमें कोई दिक्कत नहीं है सेंटर मिलाने की, ये परफेक्टली अपनी जगह पर जाकर बैठ चुका है, लग चुका है बोल्ट, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। जो 12 नंबर का बोल्ट मैंने आपको दिखाया था मार्क, वो इस जगह माउंट होता है। तो अब बारी आती है इसके ये पांचों बोल्ट ऐड करने की, और लगाएंगे इसके ऊपर इसका फिफ्थ गियर, और फिर लगाएंगे इसका गियर शिफ्टर और कराएंगे आपको इसके सारे गियर चेक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे पांचवा बोल्ट अच्छे से माउंट हो चुके हैं। तो पांचवा गियर आपको लगाने से पहले लगानी होती है इसकी ये बैरिंग, तो आपको ये ग्रीस की मदद से इसको चिपका के ले लेना है। तो लगाएंगे इस पर पांचवा गियर की गरारी, पांचवा गियर, और अब बिठा लेंगे इसके। तो ये कट आप देख सकते हैं, हमें नीचे की साइड रखना होता है इसके गियर में कुछ इस तरह। तो ये परफेक्टली बैठ चुका है। तो अब बारी आती है इसकी पांचवें गियर की स्लिप लगाने की। तो स्लिप और हमें फार्क इसका दोनों एक साथ लेकर डाल के लेने होते हैं। तो इस पर मैं अच्छे से लुब्रिकेशन करके ले लेता हूँ ताकि ये प्रॉपर अच्छे से बैठ जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रॉपर अपनी जगह पे फिक्स हो चुका है। आपको नीचे से इसमें इसकी रॉड को उठाकर इसका सेंटर कर लेना है। तो अब लगाएंगे इसमें इसकी लॉक पिन, जो इसके पांचवें गियर को फार्क को लॉक करके रखती है। तो आपको ये एक हैमर की मदद से प्रेस कर देनी है। धीरे धीरे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी फैन पिन पूरी प्रेस हो चुकी है। तो अब लगाएंगे इसके ऊपर लॉक। तो ये लॉक आपको ध्यान देना होता है कि अच्छे से इसको बिठा देना होता है, क्योंकि ज़्यादातर गियरबॉक्स में दिक्कत आती है शिफ्ट का या शिफ्ट वगैरह के गियरबॉक्स में। मैंने देखा है कि ज़्यादातर दिक्कत आती है कि गियरबॉक्स ओवरहॉल करने के बाद में इसका ये लॉक है निकल जाता है। तो ये हमें देख लेना होता है, इसकी तड़ वगैरह सब पूरी प्रॉपर होनी चाहिए। लगाएंगे इस पर इसका ये 22 नंबर का नट। तो नट लगाते टाइम आपको ध्यान देना होता है कि ये रोटेट कर रहा है, तो हमें इसको लॉक करने के लिए इसमें डालेंगे इसमें डबल गियर। तो जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं दो गियर इसमें एक साइड डालूंगा, एक और दो, जिससे कि ये पूरा लॉक हो जाएगा। मुझे किसी भी तरह का स्क्रू ड्राइवर या कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इसी तरह खोलते टाइम इसमें दो गियर एक साथ डालकर इसको खोल लेना है, उससे आपके गियर में किसी भी डैमेज होने की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब मैं इसको फाइनल टाइट कर देता हूँ। तो अब बारी आती है इसके गियर शिफ्टर लगाने की। तो गियर शिफ्टर लगा देना, आपको ध्यान देना होता है कि आपको ये सारे गियर न्यूट्रल की पोजीशन में होने चाहिए।
तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से रोटेट कर रहा है, इसमें किसी भी तरह की कोई हार्डपन नहीं है, बिल्कुल स्मूथली है। तो गियर शिफ्टर आपने लगाते टाइम आपको करना होता है इसका न्यूट्रल की पोजीशन में। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको गियर शिफ्टर लगाते टाइम ध्यान देना होता है इसकी जो तीनों फार्क हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर और फिफ्थ और बैक गियर के, तीनों न्यूट्रल की पोजीशन में होने चाहिए। और आपको अच्छे से ये लुब्रिकेशन करके ले लेना है ताकि ये स्मूथली बैठ जाए। तो गियर शिफ्टर हमारा परफेक्टली बैठ चुका है, इसमें लगाने होते हैं हमें 10 mm के 4 बोल्ट। चारों बोल्टों को माउंट करके हमें लगाना होता है इसमें एक 14 नंबर का बोल्ट साइड से और एक 22 नंबर का एडजस्टर। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको लगाना होता है ये 22 नंबर का एडजस्टर जो कि गियर शिफ्टर में तड़ बनाकर रखता है। तो वो परफेक्टली लग चुका है और ये आपको लगाना होता है 14 नंबर का बोल्ट। और ये है कोई बैक गियर का स्विच। तो ये हमें 14 नंबर के उसे टाइट कर देना है और ये 22 नंबर के उसे टाइट कर देना है। तो अब बारी आती है इसके सारे गियर टेस्ट करने की, तो मैं आपको इसके गियर भी टेस्ट कराऊंगा। तो उससे पहले मैं लगाऊंगा इसका स्पीडोमीटर सेंसर। तो इसकी स्पीडोमीटर की सेंसर इस जगह होती है, तो आपको ये 10 नंबर के बोल्ट से माउंट करना होता है। तो ये स्पीडोमीटर का सेंसर हमारा परफेक्टली बैठ चुका है। तो अब बारी आती है इसके सारे गियर टेस्ट करने की, तो मैं आपको इसके सारे गियर चेक करा देता हूँ। तो एक बार मैं दोबारा से आपको इसके गियर चेक करा देता हूँ। ये फर्स्ट गियर, ये इसका सेकंड गियर, ये इसका थर्ड गियर, ये इसका फोर्थ गियर और ये इसका फिफ्थ गियर और ये इसका बैक गियर। तो सारे गियर मेरे परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, किसी भी तरह की इसमें कोई हार्डपन नहीं है, सब अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो अब हम लगाएंगे इसका बैक गियर का कैप, गियरबॉक्स बैक कैप। तो ये आपको इसके 10 नंबर के 7 वोल्ट से माउंट करना होता है। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमारा ये सारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बाद में बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।